वसईमध्ये टू व्हीलर जी इलेक्ट्रिक गाडी असते त्या गाडीच्या बॅटरीने अचानक पेट घेतलेला आहे. मात्र सुदैवाने यात कुठलीही जीवित हानी झाली नसली तरी मोठ्या प्रमाणावर गाड्यांचं नुकसान झालेलं आहे. ही घटना घडली आहे वसई पश्चिमेच्या जो दत्तानीच्या परिसराचा रोड आहे त्या परिसरामध्ये जिजा इलेक्ट्रिक्स करून असं एक इलेक्ट्रॉनिक गाड्यांचं दुकान शोरूम आहे आणि सर्व प्रकारच्या इलेक्ट्रिक गाड्या त्या विकत असतात. आणि 8 महिन्यापूर्वी त्यांनी बॅटरी कंपनीची गाडी जी आहे ती वसईतल्या एका ग्राहकाला विकली होती आणि त्या ग्राहकाने कालपासून कंप्लेंट केली होती की बॅटरी चार्ज होत नाही, त्यामुळे ती बॅटरी त्यांनी इथे कंपनीला रिप्लेसमेंटसाठी आणली होती आणि ती बॅटरी जी आहे आज ऑफिसमध्ये ठेवली होती आणि तो कस्टमर घरी गेला होता. दरम्यान आज संध्याकाळी 8:30 सुमारास त्या बॅटरीमध्ये स्पार्क झाला आणि अचानक बॅटरीने पेट घेतला. सुदैवाने यामध्ये जे आहे की आसपास सर्व लोक होते त्याच्यामुळे बॅटरी ताबडतोब बाहेर आणली रोडवर आणि ही संपूर्णपणे आग जी आहे की फायर एक्सटिंग्विशरच्या सहाय्याने विझवली. सध्या बॅटरीची अवस्था काय तुम्ही बघू शकता की बॅटरी जी आहे जळून पूर्णपणे खाक झालेली आहे. बॅटरी कंपनीची जी गाडी आहे त्या कंपनीची ही बॅटरी आहे आणि विशेष म्हणजे 2 महिन्यापूर्वी सेम ह्याच कंपनीची जी गाडी आहे बॅटरी कंपनीची तिचा देखील वसई ईस्टमध्ये अशाच प्रकारे स्फोट झाला होता आणि त्याच्यामध्ये एक लहान मुलाचा जीव देखील गेला होता. त्यामुळे पुन्हा एकदा एक प्रश्न असा उपस्थित झालेला आहे की बॅटरीवर चालणाऱ्या गाड्या ह्या कितपत सुरक्षित आहेत. अनेक लोक सांगतात की आता सध्या पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ नये, पेट्रोलच्या वाढत्या किमती यामुळे बॅटरीवाल्या गाड्याच घ्याव्यात म्हणून असा हा जो लोकांचा मोठ्या प्रमाणावर अग्रेसर आहे. परंतु अशा घटना जर घडू लागल्या आहेत तर बॅटरीवाल्या गाड्यांवर कितपत विश्वास ठेवायचा असाच प्रश्न सध्या तर वसई विरारकरांना पडला आहे. बॅटरी कंपनीची गाडी आहे आणि त्यातला आज बॅटरीचा स्फोट होण्याची वसईतली ही दुसरी घटना आहे. परंतु असं असलं तरी तुम्ही घाबरून जाऊ नका. कंपनीच्या संबंधित आधी कुठल्याही बॅटरीची गाडी कार किंवा फोर व्हीलर टू व्हीलर घ्यायची असेल तर तुम्ही संध्याकाळी संबंधित त्यांचे नियम वाचून घ्या, काय करायला केलं पाहिजे ते वाचा आणि नंतरच गाडी घ्या. या संपूर्ण घटनेबद्दल ज्या शोरूमचे मालक आहेत त्यांच्याशी आपण बोलू, ते काय बोलत आपण ऐकूया. ऑस्टन मॅस्किनस है, मैं जीजा ईवी जो वसई में शोरूम है और सर्विस सेंटर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का, उसका ओनर हूँ. आज जो बैटरी के बारे में ब्लास्ट हुआ है, आग लगी है, कस्टमर मेरे पास शाम को आया था, मैंने मेरा प्रॉन्ट सर्विस जो थी कि मुझे मालूम है कि बैटरी में क्या हो सकता है, उन्होंने बोला कि डिस्चार्ज नहीं हो रही है, चार्ज नहीं हो रही है, तो मैंने उनको चेंज करके दूसरी बैटरी दे दी. समझ मैं नहीं देता था और ये 2 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं कर नहीं पाता था, तो वो बंदे की जान भी जा सकती थी. तो जीजा ईवी ने आज किसी बंदे को बचाया है और उस हिसाब से हम लोग ने वो बैटरी को भी बचाया है और बाजू में रखा है, किसी की जीवित हानि नहीं हुई है ये चीज़ के लिए. मेरे पास 8 कंपनियां हैं और सबकी गाड़ियां हम लोग बेचते हैं. हम लोग 2 या 3 साल से हम लोग ये गाड़ियाँ बेचते हैं अभी तक, ठीक है. अभी क्या हो गया, अब हम लोग ने 8 महीने पहले एक गाड़ी बेची थी टू व्हीलर कस्टमर को, और 8 महीने के बाद आज वो कस्टमर आके मुझे बोलता है कि बैटरी में कोई प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रही, डिस्चार्ज नहीं हो रही है. तो मैंने उनको कमेंट किया कि गाड़ी बैटरी आप दे दो, निकाल के दे दो मुझे, और हम लोग सर्विस में बहुत अच्छे हैं, इतना साल से हम लोग सर्विस में लोगों को हेल्प कर रहे हैं. इसके लोगों को मालूम था कि ये सब चीज़ छोटी नहीं है, तो बैटरी हम लोग ने बाजू में रखी और हम लोग ने बोला कि हम लोग एक बार चेक करके रख देते हैं और हम लोग ने कंपनी को कंप्लेंट किया. तो ये बैटरी जो है वो इन्वर्टर कंपनी की बैटरी है जो दिल्ली बेस्ड कंपनी है और सब रेगुलेशन मानती है, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन से सब मानती है, ठीक है. एज पर डैट उन्होंने वो बैटरी बनाई है, बट कंप्लेंट हम लोग ने फाइल कर दिया शाम को, हम लोग ने दिया और उनको बोला कि आप कल आके बैटरी लेके जा सकते हो. अभी सिचुएशन क्या हो गया, अचानक से 7:30 बजे एक कस्टमर आया था, गाड़ी देख रहा था, हम लोग से लेने वाला था वो, देखा तो ये गाड़ी ये बैटरी जो है वो वैसी थी, कोई चार्जिंग के लिए लगाया नहीं था, वैसी रखा था उसको, और अचानक से स्पार्क आना चालू हो गया. तो हम लोगों ने सोचा कि भाई क्या हो गया, तो देखा तो अचानक से बहुत ज़्यादा फ्लेम्स आ गए और पूरा मेरा दुकान को जला दिया. अभी आप देखोगे मेरी गाड़ियाँ भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, ठीक है. और ऐसे भी नहीं है कि ये गाड़ी कोई एक वो निकाल के कस्टमर केयर को अपने सर्विस सेंटर को देने वाले थे हम लोग, बट ये हालत अचानक से हो गई. एक बंदा था इधर अंदर, वो भी बच गया, जो हम लोग का सेल्स वाला था वो बच गया हम लोग से, बट अभी उनको अभी हॉस्पिटल लेके एक बार चेक करने वाले. कभी ली थी और कौन से कंपनी की ये गाड़ी? कस्टमर ने अराउंड 8 महीने पहले ली थी और ये कंपनी का नाम है बैटरी, ठीक है. बैटरी ये जयपुर बेस्ड कंपनी है
इन्होंने इनका कैसा है कि इनका जो बैटरी है इनका एसोसिएशन है, इन लोग का, इन लोग ने बैटरी इन्वर्टेड जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है इससे बैटरी लेते हैं, तो वो भी उसके हिसाब से सेफ्टी नॉर्म्स पूरी तरह से करती है और हम लोग को जो सर्विस देनी है वो हम लोग भी सर्विस बराबर से उनको देते हैं। बट ये हुआ है आज जो वसई ईस्ट में जो हुआ था यही बैटरी का था। हाँ बट उसमें कैसा है, गाड़ी तो यही थी बट जो 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 कंपनी की बैटरी अंदर लगाते हैं वो दूसरी कंपनी की थी और इसके वजह से वो हुआ था। अभी कैसा है कि ये जो बैटरी अभी है वो गाड़ी के साथ ही आती है, वो कंपेटेबल आती है और उसके वजह से ये उनके साथ ही हम लोग बेचते हैं, हम लोग कुछ अलग से बेचते नहीं है, गाड़ी के साथ जो बैटरी जाती है वही है हम लोग।